हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट के बारे में। दोस्तों, रियल इस्टेट की बात की जाए तो इस समय दोस्तों देखिए, पहले क्या था, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ था, ओबराय रियल्टीज़ था, DLF था, बहुत सारे स्टॉक थे मार्केट में। लेकिन दोस्तों, इस समय जो सुर्खियों में बना हुआ है ना, लोधा बिल्डर्स देखा जाए दोस्तों तो यूजली स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये बहुत ही रिस्की स्टॉक होने का मतलब दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए जो है सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस स्टॉक में जो है या रियल इस्टेट में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए जो है कि हम सारा कुछ जान लेते हैं। स्टॉक के ऊपर जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए, देखिए लोधा बिल्डर के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि इस स्टॉक को भी देखा जाए तो 1400-1500 के लेवल पर जो है कि बाइंग कर लिए हैं। बाइंग करने के बाद देखा जाए तो उस समय से जो है कि अभी तक प्राइस जो है कि गिरता ही जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, लोधा बिल्डर्स में अभी अपने को निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलिए कुछ सारा कुछ जो है कि हम जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहते हैं, 50,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 1024 रुपये इनका करंट प्राइस चल रहा है, 1539 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया था, 645 रुपये कंपनी का लो है, जो कि यहाँ से अभी तक तो मुझे तो नहीं लगता कि इस प्राइस पे आएगा। लेकिन हाँ, इस समय थोड़ा सा आपसे बता देते, मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, किसी भी स्टॉक में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पी देखा जाए तो 41 का है, बुक वैल्यू देखा जाए तो कंपनी का 251 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ भी पे नहीं करती, ROC देखा जाए इनका जो है कि 10 का है, ROE की बात करें तो 14 का है, 10 का फेस वैल्यू है। कंपनी के जो है कि रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, जो है कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जो है कि ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, जो है कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे जो है कि जंप है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट भी सेम प्रोपोर्शनेट में है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, चलिए कंपनी की जो है कि पीएनएल को चेक कर लेते हैं। पीएनएल की बात की जाए दोस्तों, जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2015 से चेक करेंगे 6200-8200, उसके बाद कंपनी थोड़ी सी डाउन, फिर 10,000, 11,000, 12,000, फिर 2021 में कंपनी जो है कि फुल मतलब डाउन हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, जब भी कोई भी पेंडेमिक आएगा ना दोस्तों, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो अभी के हिसाब से कंपनी जो है 10,000 के लेवल को अभी तक सेल्स किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट में जो है कंपनी का 700-800, 700-500, 700 वही मतलब उसी रेंज में, अभी तक ये 1600 वाले रेंज को अभी तक कंपनी ने तोड़ा नहीं। लेकिन हाँ, बताना चाहते हैं आपसे जो है कि कंपनी में जो है कि दम तो है, पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की, लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, लोढ़ा बिल्डर के पास जो आप देख रहे हैं रिजर्व्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोइंग मोड में है। और डेट की बात की जाए दोस्तों, जो है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप डेट भी ये जो है कि कम करते चले जा रहे हैं। सारा अभी तक तो मुझे जो है कि पॉजिटिव साइन ही मिला है इस स्टॉक में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बोला, रिस्की पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे जो है कि 88% से घट करके जो है कि 82.22% पे आ गई है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है कि OFS दोस्तों जो है कि एक लटकती हुई तलवार रहती किसी भी स्टॉक के ऊपर, अगर उसमें बहुत ज़्यादा जो है कि होल्डिंग्स उन्होंने लेके रखा है तो जो है कि ये OFS के जरिए इनको लाना पड़ेगा, जो कि 75:25 जो है कि 25 का रेशियो जो है कि फुलफिल करना रहता है। या FIIs की बात करें जो है कि उन्होंने स्टेक को जो है कि सेल किया इस क्वार्टर में। DIIs की बात करें तो उन्होंने जो है कि माल को एक्युमुलेट किया। रही बात पब्लिक की बात करें दोस्तों, जो है कि पब्लिक भी इस समय जो है कि माल को एक्युमुलेट कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, कभी भी OFS आता है तो गिरते हुए प्राइस पे आता है, हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। और कभी भी जो है कि देखिए, ये जो है रिस्की पॉइंट है, इसके लिए थोड़ा सा आप तैयार रह सकते हैं मेरे पॉइंट से, तो आप थोड़ा सा इस स्टॉक में रिस्क लेके आगे बढ़। आज के दिन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है कि आज के दिन तो कंपनी जो है कि फ्लैट कारोबार की है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिलीवरी परसेंटेज देखा जाए तो कंपनी का जो है कि आप देख सकते हैं आज भी इसमें जो है कि 86% का डिलीवरी उठाया गया है। दोस्तों, आज इसमें कोई जो है कि नया डिलीवरी नहीं उठाया गया, इसमें कई दिनों से जो है कि 80%, 90% डिलीवरी उठाया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं 24 जून को जो है कि 80% के आसपास, उसके बाद जो है कि 87, उसके बाद 90, उसके बाद 80, 85, 80, 75, 68, 75, मतलब दोस्तों आपसे बता देते हैं इस स्टॉक में जो है कि बहुत हैवी डिलीवरी उठाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन जो है कि 11 दे रहे हैं, एक जो है बाई करने के लिए बोल रहे हैं, 3 जो है कि होल्ड करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता देते हैं, एक एनलिस्ट ऐसा भी है जो कि इसमें सेलिंग करने के लिए बोल रहा है। चलिए इसके प्राइस फोरकास्ट को भी जान लेते हैं। प्राइस फोरकास्ट की बात की जाए दोस्तों, जो है कि एक साल के हायर साइड के ऊपर बात की जाए तो जो है कि 1600 रुपये का स्टॉक अपने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मीडियम साइज की बात की जाए तो आपसे बता जाते ये स्टॉक जो है कि 1361 रुपये का मिलेगा। और उसके बाद जो है कि लो साइड की बात की जाए तो 1050। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, जो एक एनलिस्ट था ना,
हो सकता है कि इस प्राइस पे मिले। मतलब क्या है कि इस प्राइस पे तो स्टॉक चल ही रहा है ऑलरेडी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, थोड़ा सा अगर अभी इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे पॉइंट से देखा है तो अभी सारे इसमें जो है कि फिट बैठे हैं, जितना भी था पॉइंट सारा कुछ इसमें जो है कि फिट था। चलिए जो है कि स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। हम आ गए माइक्रोटेक डेवलपर के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको जो है कि लोधा बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन जो है कि स्टॉक में फ्लैट कारोबार हुआ है। पाँच दिन की बात कर लेते हैं तो पाँच दिन में भी स्टॉक जो है कि फ्लैट ही है। एक महीने को देख लेते हैं तो एक महीने में स्टॉक ने जो है कि 9% का रिटर्न बना के दिया। छः महीने की बात करें तो छः महीने में कंपनी जो है कि 16% डाउन है। वाई टू डेट की बात कर लेते हैं तो वाई टू डेट में भी जो है कंपनी 18% डाउन है। एक साल की बात कर लेते हैं तो एक साल में जो है कि अभी भी कंपनी जो है कि 49-50% का रिटर्न बना के दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 साल तो कंपनी को हुआ नहीं, लेकिन हाँ पैसा जस्ट कंपनी ने लगभग डबल कर ही दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता, देखिए ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है। रिस्की होने का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि इनके चार्ट तो ऊपर ही बन रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही कि देखिए ये क्या है, रियल इस्टेट में कंपनी काम करती है। रियल इस्टेट आपको पता है किस समय जो है कि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तो ऐसे में देखा जाए तो जो है कि रियल सेक्टर भी थोड़ा सा इनसे तो डायरेक्टली इनका जो है लिंक रहता है, जैसा कि आपको पता ही है। ऐसे में दोस्तों अभी अपने को क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए इस प्राइस पे या नहीं करना चाहिए, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने अभी मान लीजिए 1500 के प्राइस पे बाइंग कर लिया, मेरे हिसाब से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि लॉस में मत बेचें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको अभी फ्रेश बाइंग करना है, मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये स्टॉक जो है कि अगर आप मात्र 200 रुपये 800 की प्राइस तक आप अगर इसको देख सकते हैं तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है जिनको ओरिजिन करना है ओरिजिन करना अभी अवॉइड कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।